All right, so hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. So this is our last day in Goa. बहुत मज़ा आया, एक वीक पूरा हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया है, मज़ा आ गया. मतलब गोवा भाई बहुत सही प्लेस था. और लास्ट टाइम आप लोगों को रूम नहीं दिखाया था, तो ये रूम में रुके थे हम लोग. बहुत सॉलिड रूम था, सर्विस एंड ऑल सब सही था. चलो तो आज का डायरेक्ट यही स्टेज है. आज हम लोगों ने बहुत मॉर्निंग में राइड प्लान करना चाहिए था, मगर कल रात भी हम लोग नाइट आउट में ही थे, सब बाहर ही घूम रहे थे, तो कुछ कल हम लोग का सोचे ही नहीं थे जल्दी सोने का. और अभी सुबह जल्दी उठने का था, तो भाई बोले नहीं आराम से सोते, भले थोड़ा लेट होएगा चलेगा मगर आराम कर. तो अभी आज का ऐसा प्लान है, अभी हो रहे 9 बज रहे, बहुत ज़्यादा लेट राइड होने वाली है हमारे, बट फिर भी हम लोग जो है अभी निकलेंगे. पहले नाश्ता ब्रेकफास्ट करने वाले, जैसे ब्रेकफास्ट करेंगे साउथ गोवा से, फिर थोड़ा नॉर्थ गोवा जाने वाले, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा यहाँ का काजू स्पेशलिटी है भाई, तो काजू तो लेना बनता है, तो काजू वाला और लेंगे. और फिर वो सब करके जिसको जो जो शॉपिंग थोड़ा बहुत करना है करेंगे, और फिर उधर से नॉन स्टॉप सीधा मुंबई रिटर्न, अपने सपनों के शहर में मुंबई में दोबारा आ जाएंगे. और क्या मज़ा है यार, क्या बताऊँ, मतलब जितना बोलो उतना कम. बहुत मतलब बोलते हैं ये एक वीक में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे, अभी घर जाने का मन नहीं हो रहा है, मगर जाना पड़ेगा. डेली लाइफ, जॉब, ये वो, फिर से वही सब स्टॉप चालू होने वाला है, तो बुरा लग रहा है निकल रहे, बट मज़ा आई यार. तो अभी चलो नीचे गाड़ी वगैरह सब लोड कर ली हम लोगों ने, बाइक सब लोड हो चुका है, बस अभी निकलना है. तो फटाफट मैं अपनी बाइक ले लेता हूँ, सॉरी फटाफट मैं अपना सामान ले लेता हूँ, बैग जो भर के पड़ी है, और निकलते हैं. तो चलो मिलेंगे, मतलब ब्लॉग में मिलेंगे, मगर गोवा से निकल रहे हैं. चलो ऑल राइट, सो बाइक हमारी लोड हो चुकी है फुल, तो अंदर भी सामान है, और अभी बस ना ब्रेकफास्ट बाकी है, तो सब ब्रेकफास्ट के लिए रुके, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर राइड स्टार्ट कर देंगे. मेरी लाइफ की फर्स्ट ये राइड रहेगी जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस में भी मैं इतना लेट स्टार्ट कर रहा हूँ. बाकी होटल बहुत सही था यार ये. हो गया नाश्ता? चलो नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ. क्या लिटरली अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हम लोग जा रहे हैं यार, कितने दिन ये अभी ये सब रोड हम लोग को रेगुलर लग रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इधर ही रहते हैं हम लोग, और आज जा रहे हैं यार. यही होता है कभी भी ट्रिप पे आते ना भाई, पहले एक्साइटमेंट रहती है तो हर चीज़ का, मतलब रिटर्न जाने का काम जो होता है ना यार, मन ही नहीं करता रिटर्न जाने का फिर, बट क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा. ऑलराइट, सो टैंक फुल करा के हो गए तीनों भी बाइक के, हवा वगैरह चेक करके हो गया सब. अभी मेरे को नहीं लगता सातारा के आसपास तक हम लोगों को कोई टेंशन है. ओके, मुंबई यहाँ से दिखा रही है 580 किलोमीटर्स, मतलब अच्छा खासा रनिंग हमें आज कवर करना है. 580 किलोमीटर्स मतलब जाएगा यार, रात हो जाएगी हम लोग को आज. ऊपर से निकले भी इतना जल्दी है हम लोग, क्या ही बताओ. और ऐसा मतलब अक्सर ऐसा होता है कि रिटर्न आने के टाइम टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम निकल रहे रहते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, रिटर्न आने के टाइम बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसा हमेशा होता है. तो होप्स आज भी हो जाए बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा नहीं मगर एकदम लेट नाइट भी नहीं पहुँचना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचेंगे. और आज पिछले टाइम तो भी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रेक ले रहे थे, मतलब एक जगह पर रुक गए तो भाई एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का हम लोग का नाश्ता हो रहा था, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में हम लोग खाना खा रहे थे. पिछली बार हम लोगों ने ब्रेक बहुत बड़े बड़े लिए थे, मगर इस बार वैसा नहीं, इस बार ब्रेकफास्ट हम लोग करके निकले, तो सीधा अभी जो ब्रेक होगा वो लंच के लिए होगा, वो भी देखेंगे जितना ज़्यादा स्ट्रेस मार पाएंगे पहले मारेंगे, उसके बाद ही ब्रेक लेंगे. तो हम लोग अभी फिर से कैलंगुट बीच में आए, तो हम लोग को यहाँ पे दो काम थे, एक टैटू कराना था, सभी लोगों को साथ में टैटू कराने गए, और काजू लेने थे. तो फिर से कैलंगुट आए हैं, सो यहाँ पे है काजू. काजू वाइट वाला कैसा है दोनों का अभी? ये कितने का है? 350 का, आधा किलो. ये 1 किलो का है क्या? किलो. ये को ये इसमें इसमें क्या फ़र्क है? साइज.
और कुछ लेने का है क्या? ये पूरा 500 का है ना? 200 का है, सॉरी। हाँ, ये 400 हो गया। आगे एक मिठाई है, वो भी लेते हैं। काजू आधा किलो ले रहा हूँ, 350 रुपये आधा किलो है। 200 का ये बैनर पड़े थे, 5 बॉक्स 200 का। ये पड़ा था, मैं नहीं पड़ा था, ये मेरे को बोला। ये 200 का रे, 5 5। ले रहा हूँ ना, वो ले तेरे घर के लिए भी कर लेंगे रे, तेरे घर के लिए भी ले। एक दो तीन पाँच, वो वाला मतलब 600 का है। तुम कुछ ज्यादा ही हो गया रे, इधर का कितना थैली हो गया। ले लेंगे यार, चलो ले लेना जितना हो रहा है। ये बेचारे अभी भी फूल लेके घूमे। अरे इसको अलग अलग करके मेरे बैग में डाल दो, साइड साइड में आ जाएगा। आ जाओ, चलो उधर चलो। अभी कुछ नहीं लेने गए ना। अभी ये घाट की खूबसूरती देखो और रिस्क भी देखो, कितना रिस्की घाट है ये। जितना सुना ना ये बदनाम घाट है, उतना सच में ये बदनाम घाट है भाई। इस पर टर्निंग एंड ऑल इतना हार्ड सीन है ना, बहुत बड़ा घाट है ये। रास्ते में जब हम लोग नाइट में आ रहे थे राइड पे, तो भाई दोनों राइडर हमारे फंसल गए थे। एक तो नीचे उतरने की तैयारी में था और एक तो भाई बस वो अपने ही धुन में चल रहा था, किधर चल रहा था उसको समझ रहा था। मतलब बोलते ना, एक रहता ना चकमक, अभी वो मराठी वर्ड है, मेरे को भी इतना प्रॉपर हिंदी में याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, मगर वो डायरेक्शन नहीं समझ रहा था रात में। बाइक का एक तो फायदा हो रहा है कि जा तो पा रहे आगे आगे, तो फोर व्हीलर का तो यही हो गया हाल। अरे ये भी फंस गया इधर। आप बाप रे, इधर तो डबल लेन डाल के बैठ गए यार पब्लिक। अरे बाप कसम,
ओह शिट 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 फाइनली बाइक होने का फायदा। अरे माँ ये तो जैगुआर ने इधर फंस गया। पूछने में मालूम पड़ा कि गाड़ी जो है ड्राइवर नींद में चला रहा था और रात में उतार गया गाड़ी नीचे है, जैसे गाड़ी नीचे होती है वो कूद गया। क्या बाप रे, जैसे मैंने बताया था ये घाट वैसे ही बदनाम है। यहाँ पे बहुत सारे किस्से होते हैं, कभी भूतों के कुछ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट तो भाई यहाँ पे रहता ही रहता है, बिना एक्सीडेंट का एक दिन नहीं जाता। इधर चोर उचक्के भी इधर रहते हैं, बहुत बदनाम घाट है। तब हम लोगों ने इसके लिए तब ब्लॉक किससे ज़्यादा, वैसे तो मेरा तब गोप्रो भी कंडीशन में नहीं था और उससे हमें सोचा कि भाई पहले घाट क्रॉस कर लेता ठीक, क्योंकि हम लोग भी रात में क्रॉस कर रहे थे। तो जो भी लोग यार ये ब्लॉक देख रहे हैं ना, अम्बोली घाट अगर आ रहे हो ना भाई, तो मोस्टली ट्राई करो कि दिन के टाइम में ही आए, क्योंकि रात में बहुत डेंजर घाट है ये। कितना भी आप एक्सपीरियंस हो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा ना खास ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मगर बोलते ना वक्त पूछ कर नहीं आता, इसके लिए भाई सेफ्टी रखो और अंधेरे में तो कभी मत आओ ये घाट में। पर वो ये अम्बोली का वाटरफॉल है, तब हमारा टाइम हो गया 4:30, हम लोग को जल्दी जल्दी करना होगा यार, मैं तो रात में 12, 1, 2, 3, 4 बज जाएंगे। जितना सीनिक घाट उतना डेंजरस। ओहो नाक तोड़ा है, नाक तोड़ा है, ए रुके भाई, कुछ नहीं काटता नहीं, ये कीड़ा है, कीड़ा कीड़ा है वो, चल रहा चलो कीड़ा है वो, नाक तोड़ा ना ये तो नाक तोड़ा, अरे नाक तोड़ा है, नाक तोड़ा नहीं नहीं चाचा प्रकार है, वही उसकी जाते किधर गया वो, इधर ही रहता है रे, किधर इधर लकड़ी जैसा कीड़ा है, देख देखना पूरा लकड़ी है, देख अरे नहीं करता वो कुछ। उधर तो आता है उसका मौसम चेंज हो गया, बारिश हो गई थी। हाँ पहले बारिश की क्या खुशबू आ रही है मिट्टी की, वाह यार अप्रैल में भी बारिश होती है, मस्त लग रहा है एकदम, सड़न एकदम जगह है। बोलते ना अगर हम लोग अभी गोवा के छोटे के पास में हो, यहाँ से क्लाइमेट ही चेंज हो गया, यहाँ पे बारिश हो रही है, बिल्कुल सही यार। ओके सो जैसे कि मैंने कहा था होटल गोवा गए, आई गेस यस नॉट आई गेस इट्स कन्फर्म कि हम लोग आ गए। और मुझे हमारे साथ वाले नहीं दिख रहे क्योंकि हम लोग आगे पीछे हो गए थोड़ा, ये लोग आए कि नहीं आए। तो
अरे ये लोग की बाइक भी नहीं दिख रही है। चलो थोड़ा चाय वगैरह पी के फ्रेश होके तो हो गया, अभी निकलते हैं। अभी हम लोग निकले होटल गोवा वेस्ट से और अभी भी अच्छा 5-6 घंटे का रनिंग बाकी है हम लोग का, और अभी टाइम हो रहा है 7:21। चलो 80-90 भाई, भूख लगा है अभी। जाने का रास्ता छोड़ा है कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे कोकन है मतलब नॉनवेज रहेगा ये। क्या क्या, अरे जैसे बाइक भी दिखेगा ना, ले तो वो देख, वो बड़ा टेबल ले लो यार, वो क्या उधर से भी दिख जाएगी। अरे इतना बस है ना भावा, अरे सामान ढो दे रे। अच्छा अच्छा बैठ बैठ। One hour later, खाना और खा के हो गया और टाइम अपडेट दे देता हूँ। अभी हुआ है 1:24 AM और अभी भी 3-3.5 घंटा है हमारा, तो कल सुबह में ही पहुँचने वाले हम लोग। नींद आ रही है ना अभी। हाँ चलो चलो चाय पीते हैं ना। ये चाय पीने का क्या, चाय ये अच्छे चाय। चलो चाय ब्रेक ले लेते भाई, 2:15 हो रहे और अभी 2.5-3 घंटे का रास्ता है हमारे पास, 133 किलोमीटर्स। How's your Goa ride, Kabo? अरे वो तो नहीं लग नहीं रहा, बहुत है सही वो तो लग ही नहीं रहा गोवा से आके, तो लग रहा हो गया ना थोड़ा। कैसे लग रहा है गोवा से आके? अच्छा लग रहा है। चलो निकलते हैं अभी, पब्लिक देखो यार क्या रिएक्शन दे रही है इधर, फुल देख रहे हम लोग के स्क्वाड में। चलो
फाइनली गाइस नाउ वी आर एट तलेगांव। बहुत लंबा स्ट्रेच मार लिया यार, पुणे एंड ऑल सब क्रॉस करके अभी सीधा तलेगांव में है हम लोग। क्या लंबा स्ट्रेच मारा था यार। ना तो कुछ भी न था। आज मैं समझ गया मगर क्या भाई, नाइट राइड ऑलवेज बेस्ट है, नाइट राइड हमेशा बेस्ट होती है। इतना जल्दी डिस्टेंस कवर किया, इतना बड़ा स्ट्रेच मारा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, एकदम चिल क्लाइमेट, एकदम बोले ठंडा क्लाइमेट एकदम। तो ठंडा क्लाइमेट है इसलिए समझा भी नहीं गया इतना बड़ा डिस्टेंस कवर भी हो गया। मज़ा आ गया। सो फाइनली हमारी 7 दिनों की रोड ट्रिप यहाँ पे एंड होने वाली है। हम लोग आ गए अपने शहर कामटे नवी मुंबई, और क्या हालत है देखो यार सबकी। तो क्या बोल रही, रोड ट्रिप कैसी थी? रोड ट्रिप प्रत्येक मज़ा आया है कि सोई? और तू रे? मज़ा आया यार, मज़ा आया रोड ट्रिप करके। इंशाल्लाह अभी फिलहाल सिर्फ सोने गए भाई, मेरे को जाने का है। चलो यार, सब ऑलरेडी बहुत गंदा वाला थक चुके और सब सोने के लिए तरह से पूरी रात राइड की है सब लोग। रातों रात में बोलते ना पूरा गोवा टू मुंबई कवर अप कर लिए। सो इसी प्रकार इस रोड ट्रिप को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जो भी एपिसोड इस गोवा मुंबई टू गोवा के बने होंगे वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ। चलो मिलते हैं। क्या बाय।